हाय गाइस, वेलकम टू एचसी म्यूजिक। सो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम लोग लॉजिक प्रो एक्स में ड्रम्स प्रोग्राम करते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा बीट, तो हम लोग कैसे उसके ड्रम्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का बाउंस निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल किक, स्नेयर, हाई हैट्स और परकशंस, उसको हम कैसे अलग अलग बाउंस कर सकते हैं, ताकि अगर हम किक को, स्नेयर को कंप्रेस करना चाहते हैं, क्यू करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं ड्रम किट को, तो कैसे उसका बाउंस निकलेगा यूजिंग अल्ट्रा बीट। सो आज मैं आप लोगों को वही बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे एक लूप लिया है एप्पल का, जो कि कॉर्ड्स हैं। और इसी के साथ मैंने ड्रम्स प्रोग्राम किया है अल्ट्रा बीट को यूज करके। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन ड्रम्स के एलिमेंट्स को, किक, स्नेयर, हाई हैट, सबको अलग से मिक्स करूँ या बैलेंस करूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अल्ट्रा बीट बहुत आसान है, अल्ट्रा बीट खोलना है और जो भी आपके एलिमेंट्स आपने प्ले किए हैं वो यहाँ पे आप जब प्ले करेंगे तो आपको दिखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं जो बज रहे हैं। सो आपको बेसिकली करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये किक बज रही है, आपको इस किक का बाउंस निकालना है। सो ये छोटा सा आपको एक एस नज़र आएगा यहाँ पे, इस एस को आपने दबाना है तो ये सोलो हो जाएगा बेसिकली, अब सिर्फ किक सुनाई देगी आपको। सो एक बार ये हो गया सोलो, तो उसके बाद आप अपने मिडी पे जाके राइट क्लिक कीजिए और बाउंस इन प्लेस, ओके। अब ये आपके पास सिर्फ किक आ गई। ऐसे ही आप और भी जो आपने एलिमेंट्स यूज किए हैं वो आप बाउंस करेंगे एक एक करके। सो फॉर एग्जांपल अब स्नेयर है तो ये रहा स्नेयर, तो इसको मैं करूंगा सोलो, किक को हटाऊंगा सोलो से और स्नेयर को करूंगा। सो बाउंस, बाउंस इन प्लेस, ओके। सो ये सब अब मेरे बाउंस हो गए हैं यहाँ पे, तो मुझे अब ये मिडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सारे वेव फाइल्स। सो अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे किक लाउड करनी है या मुझे स्नेयर लाउड करना है, सो दैट आई कैन डू ईजीली। इफ आई वॉन्ट टू ई क्यू द स्नेयर, I can do that. So if I want to cut the low frequencies of snare, I can do that. And I can use a compressor also. Right. Yeah, so basically अगर आप अल्ट्रा बीट यूज करके ड्रम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से अपने अलग अलग एलिमेंट्स को बाउंस कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। यही प्रोसेस हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा बीट मल्टी आउटपुट, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा इसीलिए ये मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों का अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू म्यूज़िक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर ट्यूटोरियल बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।